दोस्तों, वेलकम टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट JRF। आज हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य सारी शिक्षा के चैप्टर नंबर 18 एशियाई खेल को लेकर आए हैं, जिसमें हम एशियन गेम्स के विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किसके प्रयासों से हुआ है? ठीक है, तो यह किसके प्रयासों से हुआ? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं खेल प्रेमी एंटनी डिमेली के अथक प्रयासों से इन खेलों का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो यह किस वर्ष आयोजित थे? 1951 में जो है प्रथम खेल एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है नई दिल्ली यानी भारत में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो प्रथम जो है एशियाई खेल जो है नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल जो है 11 देश थे जिसने प्रथम एशियाई खेलों में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई खेलों का नामकरण किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई खेल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम एशियाई खेलों में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो कितने खेल जो है 6 खेलों का आयोजन किया गया था और उसमें जो है 57 खेल स्पर्धा शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर जंतर मंतर था। क्वेश्चन नंबर 10, बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो बैडमिंटन खेलों को जो है 1952 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आप इसको एक बार ये यहाँ पर गलत मेंशन है, तो ये जो है 1952 नहीं है, 1962। ठीक है, 1962 जकार्ता जो इंडोनेशिया में जो एशियाई खेल होते हैं वहाँ पर बैडमिंटन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्नूकर और बिलियर्ड्स को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, यानी कब शामिल इसको किया गया था? तो इसको जो है 1998 में इसको जो है क्यू स्पोर्ट्स इन दोनों गेमों को बोला जाता है। तो 1998 में यानी जो बैंकॉक थाईलैंड में जो एशियाई खेल हुए थे वहाँ पर इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हॉकी खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1958 जो टोक्यो में हुए थे एशियाई खेल वहाँ इनको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1958 जो टोक्यो ओलंपिक में है जो उसी को भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्फ को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1982 में जो है नई दिल्ली में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, कबड्डी खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो इसका जो 1919 का जो बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे एशियाई खेल वहाँ पर कबड्डी को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चंस रिपीट है, ये आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो टेबल टेनिस को जो है 1982 में ये यहाँ पर मेंशन है, ये यहाँ पर गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको जो है 1958, ठीक है, 1958 के जो एशियाई खेल थे टोक्यो जापान में वहाँ पर जो है इसको शामिल
किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? तो सभी को पता भी है कि गुरुदत्त सोनजी को जो है एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? लेवी पिंटो ने इसका प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेलों में हॉकी को किस वर्ष और कहाँ शामिल किया गया? ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन था। तो 1958 टोक्यो जापान में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, एशियाई खेलों में लॉन टेनिस को कब और कहाँ शामिल किया गया? तो 1958 यानी यहाँ पर ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1958 यानी जो टोक्यो जापान में प्रस्तावित ओलंपिक सॉरी एशियाई खेल थे वहाँ पर इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, गोल्फ खेल को एशियाई खेलों में कब और कहाँ शामिल किया गया? तो गोल्फ को जो है 1982 नई दिल्ली में जो एशियाई खेल हुए थे वहाँ गोल्फ को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कबड्डी को एशियाई खेलों में कब और कहाँ शामिल किया गया? तो 1990 जो बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे एशियाई खेल वहाँ पर कबड्डी को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, एशियाई खेलों में आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी को कौन सा कप दिया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी को जो है सैन बैक ली कप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एशियाई खेलों को ओलंपिक संस्था का क्या नाम है? तो इसकी संस्था का क्या नाम है? OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसकी संस्था का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ट्रफलगर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश के देश को यह ट्रॉफी दी जाती है। तो कुछ आगामी जो एशियाई खेल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 2022, ठीक है, 2022 का जो एशियाई खेल है वे कहाँ आयोजित होंगे? होंगजू चीन में आयोजित होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा 2026 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? अर्ची नागोया। ठीक है, 2026 के जो एशियाई खेल है अर्ची नागोया जापान में ये प्रस्तावित है। ठीक है, ऐसे ही 2030 के जो एशियाई खेल है वे कहाँ आयोजित होंगे? दोहा कतर, यानी जो है यहाँ पर दोहा में प्रस्तावित है। और 2034 के जो आपके एशियाई खेल है वे कहाँ प्रस्तावित है? रियाद यानी सऊदी अरब में ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो मैं अपने व्यूअर्स से निवेदन करूँगा कि वे अगर इन क्वेश्चंस में आपको अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, और इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।